स्टूडेंट हम केमिकल काइनेटिक की स्टडी कर रहे थे, तो उसी के अंदर हमने व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक क्या होती है, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन, रेट वेलोसिटी, रेट इक्वेशन, रेट वेलोसिटी का फर्स्ट टाइप, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी की थी। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्टर डालते हैं। फैक्टर्स, फर्स्ट कंसंट्रेशन, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड कैटलिस्ट, फोर्थ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, फिफ्थ रेडिएशन, सिक्स्थ प्रेशर, सेवंथ नेचर ऑफ सब्सटेंस। इफेक्ट डालते हैं हम स्टडी करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ फैक्ट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। तो कंसंट्रेशन ऑफ फैक्ट में फर्स्ट होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन मीन्स क्या है, यानी यूज करते हैं एक्टिव मास, एक्टिव मास। एक्टिव मास निकालना कैसे होता है, सिंबल ऑफ द एलिमेंट एक्टिव मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम। तो लॉ ऑफ मास एक्शन मींस क्या होगा, प्रोडक्ट, लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन The rate of reaction, rate velocity is directly proportional to active mass of reactant and product. Reactant, active mass of reactant or product. According to law of mass action, the rate of reaction is directly proportional to active mass of reactant. So rate is equal to K. A into P. तो ये फर्स्ट लॉ, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंसंट्रेशन फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन मींस द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड पॉइंट रेट लॉ, रेट लॉ। तो रेट लॉ मींस द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट इज इक्वल टू के ए इंटू पी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट होता है रेट कॉन्स्टेंट इक्वेशन या एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन, एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन, रेट कॉन्स्टेंट इक्वेशन। व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज इंपर्टेंट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, यदि हम किसी रेट लॉ के अकॉर्डिंग किसी रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल रिएक्शन का रेट वेलोसिटी यदि हम अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटू बी, इट्स नोन एज रेट कॉन्स्टेंट इक्वेशन, एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन। एज एग्जाम्पल एच टू प्लस सी एल टू इज इक्वल टू टू एच सी एल, तो रेट इज इक्वल टू के
H2 and Cl2. BCl5, BCl3 plus Cl2 to rate is equal to K, BCl5. It's known as rate constant equation. Rate constant equation. Fourth point, rate constant for a specific rate represented by K. Rate constant or specific rate velocity of K से represent करते हैं. इसका अर्थ क्या है? Means A plus B is equal to product. तो according to rate law के according rate is equal to K into B. K into B means when A B is equal to 1, concentration of reactant is unit. Concentration of reactant is unit. Is represent rate is equal to K. So, definition of the rate constant. The rate constant of a chemical reaction is equal to the rate of reaction, rate velocity when concentration of reactant is unit. किसी भी reaction का rate constant उस rate of reaction के equal होगा जब उस reactant की concentration unit होती है या one होती है. It's known as rate constant या specific rate constant. मतलब rate constant means specific rate means the rate constant specific rate of a reaction is equal to rate of reaction when concentration of reactant in unit. किसी भी concentration unit में होती है तो rate of reaction rate velocity किसके equal होगा? Rate constant के equal होगा. तो unit of K. तो rate is equal to K concentration. तो concentration of reactant power n. तो K is equal to rate upon reactant. तो unit of rate of velocity concentration time inverse. The concentration of reactant concentration power n. तो K is equal to concentration 1 minus n time inverse. तो concentration is mole per liter. तो K is equal to mole liter 1 minus n time inverse. As example, N2 plus 3S2. 2NS3. तो first write down the rate constant equation. Rate is equal to K. N2 S2 की पावर 3. तो K is equal to rate upon N2 S2 3. तो concentration time inverse upon concentration power 3. तो concentration time inverse upon 4. तो K is equal to concentration 1 minus 4 time inverse. तो K is equal to liter cube mole minus cube and second inverse. What is the difference between rate of reaction and rate constant? तो effect of concentration can be explained by the law of mass action. Second point, rate law. Third, rate constant equation. And fourth, what is the rate constant experiment rate equation? इसको कैसे represent करना होता है? उसके base पर हम इसको represent करते हैं.